नमस्कार मित्रों, और काफ़ी इंतज़ार कराया मैंने आप लोगों को, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बात आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि अब ऐसे ही आप लोगों को कुछ समय के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और मेरा वीडियो जो है वो काफ़ी लेट आने वाले हैं। जो बाकी वीडियोस भी होंगे वो भी आपको काफ़ी लेट मिलेंगे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरी बात ये कि मैं अभी रात में ये 12:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, और गर्मी इतनी ज़्यादा है भाई, फ़ैन चला रहा हूँ, ठीक है, एसी अभी वर्क नहीं कर रही है। तो अब आते हैं अपने वीडियो पे, जिस मुद्दे की शुरुआत पे। और हाँ, आप लोगों को बता दूँ भाई, जो आप लोगों में से नए लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको विशेष तौर पे बताना चाहूँगा, क्योंकि बाद में वो लोग जो है कहेंगे इस चीज़ को कमेंट पे कि ये चश्मा क्यों लगा है। तो मैं अपने हर वीडियो पे बताता हूँ कि ये हमारा स्वैग है चश्मा लगाने का, और बिना चश्मे के कोई भी एनालिसिस या कोई भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता यार अब। और हमारे जितने भी पुराने मित्रगण हैं वो इन सब चीज़ों को जानते हैं, इन बातों को जानते हैं, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किस बारे में वीडियो है ये आप लोगों को टैग पे और टाइटल पे पता चल गया होगा कि हमारे सागर भाई जो है अघोरी बाबा के पास जा रहे हैं, और धर के जो है कायदे से झेल ला उनको, और ये कुछ कह भी नहीं रहे हैं। और बाद में वीडियो में जो है बता रहे हैं कि खूब पेला में खूब मारा, झेल के मारा, झेल मारा है। तो भाई ये एक फनी वीडियो है, इसको बहुत दिन बाद आया हूँ मैं, तो एक फ़नी वीडियो टाइप का बनाने का सोचा मैंने। मैं यहाँ पर एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ, एनालिसिस करने का सोचा था मैंने, लेकिन तब सोचा था जब सागर भाई का पूरा वीडियो मैं अगर ना देखता तो शायद एनालिसिस करता, लेकिन मैंने उनका वीडियो ये अंत तक देखा, और उन्होंने इस वीडियो को जो है सच्चाई से रूबरू कराया, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को फ़नी वीडियो बना रहा हूँ। तो उनकी बातों पे हंसी आ रही, वो बोल रहे हैं कि यार भाई लोग, जब वीडियो ख़त्म हो जाता उनका तो वो बोल रहे हैं भाई लोग मेरे को धर पटक पेला बाबा ने, खूब अझेल पेला है। क्यों मैं इतना पिटा सिर्फ आपके लिए? सच में मैंने बहुत मार खाई है, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे नहीं मारा। तो भाई ये तो वही कहानी हो गई जैसे वो बीजेपी वाले जो है वो आपस में विधायक लड़ गए थे, अध्यक्ष जूतम जूता। तो इस वीडियो को आप देखिए, कुछ इस तरीके बाबा ने जो है सागर तिवारी को दे भगा भग अझेल मारा है। नो 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 अब बात करते हैं कि इनको माखी गाली दी, भैया काहे सुन लियो यार, कौनी बात पे सुन लियो, देना चाहिए था तुम्हें भी घसीट के देते, ये गरसीते। अब बता मैं, ये जो बाबा है जिससे पाला पड़ा तुम्हारा, ये बड़ा अनोखा बाबा है यार, इसके पास एक आदमी नहीं, केवल तुम्हें नहीं गए हो और भी लोग जा चुके हैं, और जितने भी यूट्यूबर हैं सब जाते रहते हैं। अब पता नहीं यूट्यूबरों को काहे यह बाबा टकरा थे। आ देखिए, आ जो मोबाइल पकड़ा है, जो फिल्म बना रहा है, देखिए जमला कर रहे उठा करके, मैंने क्या बनाता हूँ सबके सामने। केवल एक है बाबा है का टकरा में गलाने, और भी तो बाबा आए तो उनते मिले हो जाए। ये बाबा की बातें सुनो आप लोग, ये मालूम क्या कह रहा है, इस पर गौर करना। सागर तिवारी के भी वीडियो में और भी वीडियो अगर पड़े यूट्यूब पे तो उस पर गौर करना। ये बाबा बार बार कहता है, कैमरे के सामने बोलता है, इसी बहाने मैं भी फेमस हो जाऊंगा। भाई ऐसा कौन सा गौरी बाबा है जिसे फेमस होना है? तुम लोग तो जरिए मेरा भी नाम पर है। आपने इससे ज्यादा बाबा जी क्या, तुम लोग तो जरिए मेरा भी नाम पर है। अघोरी बाबा जो होते हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं। तो सागर भाई ये शोभा नहीं देता इस तरीके का वीडियो बनाए हो, लेकिन सच्चाई से रूबरू कराई एक अच्छी बात है, लेकिन खुद जाके उनके आगे लोट जाओ और दे भगा भग वो मारे पड़ा हो तो मार खा रहे हो, ये ठीक नहीं लगा। इस तरह का काम शोभा कहाँ, तुम ईवीएम निकल आता है आजकल सरकार के मुद्दे देख करके, कहाँ तुम ये ईएमएफ मीटर लेकर के जो है जगह जगह जाते थे, बत्ती जलाते थे
और कहाँ तुम जो है ये बाबा बैरागी चक्कर में जाके उनके पाँव पड़ रहे हो। कहा यार ये शोभा देता का तुम्हें? ये सब नहीं शोभा देता है और ये सब किया भी ना करो। एक बात सागर भाई तुमसे बोलना भूल गए हम कि वीडियो में अपने ये तो बताए हो तुम कि मतलब तुम सही चीज़ दिखा रहे हो, ये अच्छी लगी हमको बात तुम्हारी कि मतलब ये अच्छी चीज़ दिखाए हो कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, ये तो सही बात है। लेकिन ये भी तो बताते साथ में कि उसने जो हाथ में रख के धनतेरस किया था वो क्या था बवाल था? ये देखिए कागज था मगर सारा भूत इसमें आ गया। देखिए हम झूठ नहीं बोलता। देख वो बवाल हम बता रहे हैं वो क्या था, वो पोटेशियम पर मैग्नेट था, या तो जो है एक और बवाल आता है केमिस्ट्री में। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ये सब धोखेबाजी है, चूतियाबा बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जमन में चूने उने में कैल्शियम कार्बोनेट में जो मिला हो या पोटेशियम परमैंगनेट में जो चीज़ मिलती है सेम एज इट इज़ उसका कलर वैसा ही हो जाता है, तो ये भी बता देते। इस तरीके से बवाल फैला रहा है ये बाबा। एक कोनो ये कोनो मांस नहीं खाता है, कुत्ता का मांस खिला दो ये भग जाए तो दूर। ये आदमी का मांस खाने की बात कर रहा है, ये बाबा नहीं है, ये गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, चरसी है, दारूबाज है इसकी बात। और जेल के तो मार खा गए यार, कैसे मार खा गए? वीडियो हम भी बनाने अगर जाते इस बाबा के पास ना, भगवान कसम परा के उल्टा परिया तोड़ते इसकी, भगवान कसम बता रहे। भले वीडियो हमें व्यू लेने के लिए बना लेते हम, लेकिन अगर ये जरको हमें गाली देता ना माँ बहन कौनो गाली देता, और अगर पीट देता तुम्हारी तरह तो परिया तोड़ देते इसकी। पता नहीं कौन ने डर के मारे, तुम मारे हो नहीं है, कहा गिरा के मरते हो, क्या बताएं तुम्हें, मारा चाहिए रहा यार। तुम कहाँ ही हमें लेके घूमत रहो जगह जगह, एक चक्कर में आ गए खाम खाम बवाल पाल लियो, देखकार भी का यार काम का। खैर तुम्हारी वीडियो का सलाम भैया, बढ़िया बनाए हो, ठीक है, अच्छी राय दी है लोगों का, तो ये हमारा फनी वीडियो राय का, बुरा ना माने हो, माने हो तो हमारा कोनो मतलब नहीं आए, ठीक है ना। ओके बाय। पोटेशियम पर मैगनेट आए हैं यू हथेली में रख के जो कागज़ गला दिए थे ना, और कोई रहा महाभारत का कागज है, देखो पागल का पगला गा बिल्कुल, महाभारत का फाड़ फूड़ के कागज है और तुम फटा हुआ महाभारत का कागज देख रहे हो, कहा यार तुम हूँ आदमी हो बेकार टाइप के। तो बस यह है रहा यार, है मन नहीं लगा तो रहा रात में, तो हम 12:30 बजे जग के जो तुम्हारा वीडियो बना दो खे, ये घड़ी देखो हमारी लगी है, यो देखो घड़ी दिख रही है, यो देखो यो रात के हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, अब घूम जाओ वापस इधर आ जाओ हमारी तरफ, ठीक है। अच्छा समय लगाना हमारी आदत देखो, 3-5 करना नहीं, जो कोनो नया आदमी आके 3-5 किया मार दे चट्टा, चट्टे तेने मार दे खींच के तमाचा, ही हंस दे ली रिंकिया के पापा, सीधी बात। और हाँ हम जितने बार बोलें उतने बार हमारे वीडियो में जो है बाद में कहे हो कि ये जो है कुछ लोग हमारे बारे में टिप्पणी करते, तो बिल्कुल हम टिप्पणी कर रहे हैं भाई, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, आर्टिकल 19 इसकी इजाज़त देता हमको। तो बस इतना ही जो है कहने आए थे, हमको बड़ा मज़ा आया आज हमने वीडियो देखा, इतने दिन से फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो दरख्वास्त है हमारी विशेष अपने चाहने वालों से, और जो नहीं भी चाहते हैं, जो अझेल कमेंट और अझेल गाली देने वाले हैं हमें, उनसे भी दरख्वास्त है भाई वीडियो देख लो, और आने वाले समय में और भी कुछ वीडियो लेकर के आएंगे हम। अभी थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, लेकिन इस परेशानी में भी थोड़ा सा जो है मौका निकाला हमने सागर भाई की वीडियो को देखने का, और मौका निकाल के हमने कुछ बनाने को सोचा, तो हमने ये बना डाला बवाल। क्या करें, रात में टाइम मिला और वीडियो अभी अभी देखा तो ये मन में बात आई तो बना डाला। बाकी अपने भी वीडियो लाएंगे कुछ ना कुछ, और एनालिसिस की बात आप लोग बहुत करते हो मित्रों, लाएंगे वो भी लाएंगे, जिस बारे में टोक रहे हो जो मैसेज हमको किए हो उस बारे में भी लाएंगे। लेकिन कुछ नामर्द टाइप के लोग हैं ना जो धमकी देते हैं कि हम कॉपीराइट दे देंगे, हम स्ट्राइक दे देंगे, और ये है वो है, अब भाई दे दो भाई, अब नहीं डर है, क्योंकि जब तक भला चाहा चाहा, ठीक है ना, बुरा अभी भी नहीं चाह रहे लेकिन भला अभी भी चाह रहे हैं, पर आप लोगों को लगता है कि हम बुरा चाह रहे हैं तो बुरा नहीं चाह रहे, अपने दिल की बात बोलते और सच्चाई से रूबरू कराते हैं तो वो भी खलता है। कोई भी हो, हमारे अपने हो, जिनको अपना माना वो सब भी हो, कोई भी हो,
कोई फायदा नहीं है। अब जो है वाजपेयी जी केवल सत्य बोलेंगे और जो उन्हें समझ में आएगा वो बोलेंगे। अच्छा कॉपीराइट स्ट्राइक दो चाहे चैनल बंद करा दो, और वैसे वो चैनल बंद है समझो, हम कितने वीडियो में टाइम है दे पा रहे हैं भाई। पिताजी की आँख का ऑपरेशन कराना था, किडनी का ऑपरेशन कराना था, वो सब करा लिया है। थोड़ी बहुत परेशानियाँ और हैं, वो धीरे धीरे हल हो जाएंगी। तो होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग एवरी वन, ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।